हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीडी मेथड का सोल्यूशन पे। मैं दीनदयाल, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने पॉइंट क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अवकलन का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पिछली बार पूछा जा चुका है। जैसा कि आपको पता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में इस समय नहीं दिया गया है, लेकिन पिछली बार चूंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको गिवन है, यदि वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक पावर लगी है, देन प्रूव करना है एक्स डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपन वन माइनस वाई लॉग एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं अनंत श्रेणी वाले फलन, अनंत श्रेणी वाले अवकलन। तो इस अनंत श्रेणी वाले अवकलन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एकाध दो क्वेश्चन मैं आपको करवा भी दूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे दूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग खूब बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आप कहेंगे चूंकि y इक्वल टू आपको लिखा है x की पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिएगा। जितने भी अनंत श्रेणी वाले अवकलन होंगे, सब में यही लॉजिक आप लगाएंगे, क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाला है। देखिए कैसे, y इक्वल स्टूडेंट्स, इसको हम x की पावर x एक पावर और बढ़ा दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये तो पावर इनफाइनाइट तक। ऐसा करते ही क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है और इजी हो जाता है। देखिए ध्यान से, इतने को अगर आप देखेंगे जितना मैंने गोला किया है, तो ये y की वैल्यू आपके सामने नजर, देखो y की वैल्यू यही तो है, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y के स्टूडेंट्स आपको मिलेगा x की पावर y, ठीक है। अब देखो, फंक्शन की पावर में फंक्शन लगा हुआ है, जब फंक्शन की पावर में फंक्शन लगा हुआ था तो आपको पता है कैसे करते हैं, लॉग लेकर के। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का आप लॉग ले लीजिए। आपको स्टूडेंट्स मिलेगा log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर y, ठीक है। अब log m की पावर n से सामने आएगा ये, तो आपको मिलेगा log y इज इक्वल टू y log x। अब क्या करो, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, लिख देंगे यहाँ पर x के सापेक्ष, अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे तो आप इसका अवकलन करेंगे, मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ log y एंड d बाई डी एक्स ऑफ y log x, ठीक। डिफ्रेंशिएट करिए, log y का अवकलन कितना होगा, 1 अपान y, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 अपान y dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ दो फंक्शन के गुणे का सूत्र लगा दीजिए, आपको मिलेगा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन, ठीक है, और प्रथम का अवकलन dy वाई बाई डी एक्स ही मिल जाएगा। अब इसको ऐसे लिखते रहिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 अपान y dy बाई डी एक्स, आपको पता है कि log x का अवकलन 1 अपान x होता है स्टूडेंट्स, यहाँ मिल जाएगा y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। अब आप देखिए, जो आपको प्रूफ करना है उसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली गई है, तो हम करेंगे कि dy बाई डी एक्स उत्तर ट्रांसपोज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 1 अपान y dy बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, दोनों में आप dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिए स्टूडेंट्स। जब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपान y माइनस में log x इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है। सिंप्लीफाई करते जाइए, बस प्रूफ करना बाकी है। मिलेगा स्टूडेंट्स आपको dy बाई डी एक्स, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वाई log x अपान में y इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को इधर लेके चलिए, वाई को इधर, और इसको नीचे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। एक्स इधर आएगा स्टूडेंट्स, आपको कितना मिलेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर अपान में वन माइनस वाई लॉग एक्स। यही आपको प्रूफ करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। बाकी रोले की प्रमेय, लगराज की प्रमेय, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो इंटीग्रेशन का आपको बताया, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।